पंजाब पुलिस के वलों संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी का धरना जबरी पटियाला दे विच पावरकॉम दफ्तर के मूहरों चुकवाउण तों बाद हुण किसान जथेबंदियां ने नवी रणनीति तैयार की है। पटियाला दे माता कशल्या हस्पताल दे विच नज़रबंद किसान लीडरां नूं मिलण दे लई हुण हरियाणा के किसान लीडर भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी जबर के विरुद्ध 19 जून नूं पटियाला दे विच हस्पताल के सामने महारैली की जाएगी, जिस विच देश भर के लखां किसान हिस्सा लैणगे। तो इस रैली दे विच किसानां दे वल्लों कीते जाण वाले संघर्ष की अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। किसान आगुआं ने दस्सिया कि पटियाला दे विच भुख हड़ताल ते बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत होर आगुआं ने मेडिकल सुविधा लैण तों साफ इनकार कर दिता है अते कहा कि आरजी जेल दे विच भी उन्हां दी भुख हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान अभिमन्यु कुहाड़ और लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि 19 जून में पटियाला दे विच वड्डी रैली की जाएगी, जिस विच वख-वख किसान जथेबंदियां दे कारकुन शामिल होंगे। यह रैली इतिहासिक होगी जो पंजाब सरकार दी जड़ां हिला के रख देगी। 19 जून को पटियाला में पूरे देश के किसानों की एक बहुत बड़ी गैदरिंग की जाएगी और उस लाखों किसान वहां इकट्ठे होंगे और वहां पे इस जालिम सरकार के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। सरकार चाहे कोई हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, ये विपक्ष में होते हैं, कुछ और कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करते हैं। जो आज पंजाब में जो लोग राज में बैठे हैं, ये पहले ये कहते थे कि ये भगत सिंह के वंशज हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज अपने आप को बताते हैं, लेकिन ये किसानों की पकड़ियां उछाल रहे हैं। तो इस भगवंत मान सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। 19 तारीख को बहुत बड़ा इकट्ठ पटियाला में होगा, जिसमें तमाम देश भर के किसानों को हम आमंत्रित करेंगे और एक कमेटी बनाई गई है हमारे द्वारा, वो कमेटी अन्य संगठनों से भी बातचीत करेगी, सबसे कोऑर्डिनेट करेगी, पूरे उस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। एक वड्डी खबर थानू हरियाणा तो भी दस दिने, जिथे किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी समेत 9 होर किसानां नूं जमानत मिल गई है। जेल प्रशासन ने चडूनी नूं रिहा कर दिता है। शाहबाद किसान भवन दे विच इस तों बाद किसानां दे लई प्रोग्राम रख्या गया, जिथे गुरनाम सिंह चडूनी दे पहुंचण दी योजना सी। फुल्लां दे हार पा के ते ढोल ढमक्कियां दे नाल गुरनाम सिंह चडूनी दा जेलों बाहर आउण ते स्वागत कीता गया। जेल में रखा गया तो इस बार सरकार ने 2 जियातियां की हैं। एक तो जो लाठी चार्ज किया है, वहाँ पे लाठी चार्ज जैसी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई कारण नहीं था, क्योंकि हम किसी पे हमला नहीं कर रहे थे, हम तो बैठे हुए। और दूसरा जो है, जो 307 लगाई गई, वो सरासर गलत लगाई गई, उत्पीड़न के लिए लगाई गई, लेकिन फिर भी हमारे जो किसान भाइयों का हौसला रहा और हमारे बाजू ने जोश दिखाया, उससे सपना पड़ा है और ये किसानों की बड़ी जीत।